नमस्कार, आज हम बात करेंगे खराटों के बारे में। मैं हूं डॉक्टर मनवीर भाटिया, अ सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। तो पहले तो ये बात समझी जाए भी ये खराटे क्या चीज है, खराटों का शरीर पे क्या असर पड़ता है और हम क्या कर सकते हैं इनको कुछ सुधारने के लिए। तो जब हम सांस ले रहे हैं दिन में और रात में, कोई आवाज नहीं आती क्योंकि सांस हमारी जो नाक से निकल के एक सांस की नलकियों में जाता है और ये आमतौर पे खुली रहती है, तो इसमें कोई आवाज नहीं आएगी। पर जब भी सांस तंग एरिया से निकलेगा, जो कि किसी भी बीमारी के कारण या किसी भी कंडीशन के कारण संगीन हो गया है, तो उस कि जब सांस अंदर जाएगा तो आवाज आएगी और ये आवाज है खराटे। तो खराटे तो सबने देखा है कि काफी कॉमन चीज है। अगर देखा जाए बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, मे बी 30-40% पॉपुलेशन में हो सकते हैं। तो कौन से खराटे हैं जिनके बारे में कुछ फिक्र करना चाहिए? पहले तो अगर वो बहुत लाउड है, मतलब कि इतने ऊंचे हैं कि साथ वाले को सोना डिस्टर्ब कर देते हैं, लोग ट्रेन में फ्लाइट में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एक दूसरे के खराटे सुन के, और कई लोगों को तो दरवाजे और कमरे के बाहर भी सुनाई दे देते हैं, तो ये है बहुत ऊंचे हैं। दूसरे हैं कि अगर उन खराटों के साथ रात में सांस में रुकावट हो जाए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर तो सांस की नलकी पूरी खुली है और थोड़ी तंग हो गई तो खराटे, पर कई दफा तो पूरी बंद हो जाती है और ये जब सांस बिल्कुल रुक जाएगा तो नींद उखड़ जाएगी और कुछ समय के लिए सांस रुकने के बाद बहुत तेजी से आवाज आएगी, तो ये भी एक खतरनाक लक्षण हो सकता है। इसको हम एपनिया बोलते हैं और इस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया। तो तीसरा है कि खराटों के साथ आप जब सुबह उठे तो लगे कि मैं बहुत थका हूं, मेरा मुंह बहुत सूखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं बताना चाह रही हूं कि खराटे पहली बात तो अच्छी गहरी नींद का असर नहीं है, ये एक मिथ है और गलत नोशन है जो हमारे लोगों में पहुंच गया है। दूसरा, अगर खराटे लाउड हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं या साथ वाले की नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज हेल्प लीजिए और देखिए कि क्या कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये खराटों का शरीर पे क्या असर पड़ सकता है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और उम्मीद रखते हैं कि आप इसको अगले वाले वीडियोस को और भी सुनेंगे।